नमस्ते गोरखपुर, मैं आ गया हूँ आपके शहर गोरखपुर जंक्शन और आज आपके शहर को पहली वंदे भारत मिलने वाली है जो कि गोरखपुर को लखनऊ से कनेक्ट करेगी। और आज के दिन 7 जुलाई आज के दिन 2 वंदे भारत चालू हो रही है। एक हो रही है गोरखपुर लखनऊ और एक जोधपुर को अहमदाबाद के साबरमती से कनेक्ट करेगी जो कि जोधपुर से खुलेगी। और दोनों का उद्घाटन आज होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शाम के 3:40 पे। और आज कुछ ऐसा सजा हुआ है गोरखपुर जंक्शन। अभी मैं हूँ खड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सुबह ही आ गया था मैं और लेकिन उद्घाटन दोपहर में है, थोड़ा यूनिक टाइम रखा गया इसका। और देख सकते हैं कितने सारे रस हैं इस ट्रेन को देखने के लिए। तो बाकी ये रहा आज का अपना पास जिससे हम गोरखपुर से लखनऊ तक ट्रैवल करने वाले हैं। और देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है क्योंकि वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया है। मैं यहाँ से आगे आज हम चेयर कार में यात्रा करने वाले हैं और आज के दिन इसका नंबर होने वाला है 02549। बाकी नॉर्मल डेज पे कॉमर्शियल रन पे इसका नंबर 02 से आके 22549 हो जाएगा। तो चलते हैं। आज मैं यात्रा करने वाला हूँ चेयर कार में। अपना कोच है C3 और इसकी सीट्स के कलर ना आपको पुराने वाले ही मिलेंगे, डार्क ब्लू जैसा कि आपको दिख रहा है। मैरून वाले नहीं मिलेंगे जो कि आपको दिखा था जबलपुर इंदौर या फिर भोपाल इंदौर वंदे भारत में, ये वाले सीट्स के कलर्स में नहीं है। तो देखते हैं EC के अंदर इसका कैसा कलर कॉम्बिनेशन है। और इंटीरियर इसका पूरा ही सेम है, लेग स्पेस उतना ही है, वाटर बोटल होल्डर के लिए उतना ही है, चार्जिंग सॉकेट्स वहीं पर हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बस कलर जो इसके आपने देखे थे मेरे पिछले ब्लॉग वंदे भारत में जो कि चेंज हुआ था वो इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये है इस का एग्जीक्यूटिव क्लास और इसकी सीट्स ना आपको सेम CC वाले ही मिलेंगे, चेयर कार वाली ही सीट्स हैं इसके। तो चलते हैं अपने कोच में, बस ये दिखाना था इसकी सीट्स हम सेम ही हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 4:27 और बाहर देखिए बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश अभी भी। तो फाइनली 4:46 का अपना डिपार्चर हो रहा है लगभग 1 घंटे की देरी से। माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखिए भाई मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने वाकई बारिश होने के बाद नेक्स्ट लेवल का माहौल बना हुआ था गोरखपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन काफ़ी डिले डिपार्ट हुई है हमारी। इतना लंबाई का पता हो गया सभी यात्री ताली बजाकर गोरखपुर से डिपार्चर। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया है और हमारी ट्रेन निकल चुकी है गोरखपुर से। देखा आपने CM और PM दोनों ही यहाँ पे मौजूद थे और दोनों ही बहुत ही खुश थे क्योंकि गोरखपुर से पहली वंदे भारत निकली है लोग, जो कि यूपी की दूसरी वंदे भारत है जो कि जा रही है सीधे लखनऊ को। तो आपसे सीधे मिलते हैं इसके अगले हॉल्ट पे जो कि इसका पहला कमर्शियल हॉल्ट नहीं इनोग्रेशन के लिए हॉल्ट रखा गया है। और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आज भी आए हैं इस ट्रेन को देखने के लिए। बारिश हो रही है लेकिन लोग वंदे भारत के लिए लोगों का प्यार अभी भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। हो गया आप लगाइए, देखिए कैसा मजा आएगा आपको, आप बताइए। यहाँ पे तो फाइनली हम पहुँच गए सनसेनवाड़ा छाते के नीचे से। आपकी ब्लॉगिंग चालू है और देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं। बस ऐसा ही कुछ होने वाला है आज की ब्लॉगिंग में, थोड़ा भीगना है, थोड़ा करना है, बस ऐसा ही ये सब कुछ चल रहा है। अपना फर्स्ट इनॉग्रेशन हॉल कॉमर्शियल में इनॉग्रेट करेंगे इसकी, और लोग देख सकते हैं भाई। देखिए हमारे जैसे पास किया गया है यात्रा में होने के लिए बहुत तेज है। उससे जनवा से ट्रेन खुलती है, हमें सर्व किया गया है हाफ लीटर का वाटर बोतल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं खलीलाबाद जंक्शन। नॉर्मल डेज में, नॉर्मल कमर्शियल में स्टिल यहाँ पे भी स्किप्स मिलेगी, लेकिन आज के दिन यहाँ पे रुका गया है। जय हो महाराज, डोर हो गए क्लोज, लेकिन हमें पता था डोर बंद होने वाले, तो पहले से फर्स्ट टाइम जो आएगा बाय बाय भैया जुट गए हैं। तो फाइनल में डिपार्चर होने लगता है, बहुत ज्यादा क्राउड था बच्चों का और सबका। देखिए यहाँ पर एक को बोलने दे, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, घंटा नहीं हो। अबे मैं रिकॉर्ड हूँ, अब वहाँ काटना पड़ेगा मेरे को वहाँ पे। कहीं नहीं दिख रहे हैं यार, नहीं कहते हैं। तो फिर खलीलाबाद से निकलती ही ट्रेन हमें सर्व किया गया है स्नैक्स। तो जो देखते हैं इसके अंदर क्या सर्व किया गया है आज के दिन। हमें जो अपना स्नैक्स है उसको अनबॉक्स कर लिया है, तो हमें सर्व किया गया है प्रोटीन पॉप्स, ये पॉपकॉर्न, ये ब्रिटानिया का केक, ये ट्रॉपिकाना जूस और ये लोटो चकोपाई। और सिर्फ ये कचौरी है जो कि पैक्ड आइटम नहीं है, बाकी सारी पैक्ड आइटम हमें सर्व की गई है। तो बताते हैं कचौरी का टेस्ट कैसा है, क्योंकि सारी तो पैक्ड आइटम है, सिर्फ कचौरी ही का टेस्ट बताना है कैसा है। हालांकि ये स्नैक्स जो है सहजनवा से बोर्ड हुआ था और अब तक टाइम हो गया है इस ट्रेन को चले हुए कम से कम आधा घंटा। तो देखते हैं कचौरी कैसी है इस ट्रेन की। तो कचौरी को मैंने अनबॉक्स कर लिया है। तो ये सॉस भी हमें साथ में मिला था। ठंडी है लेकिन खाने लायक है, आप खा सकते हैं। और बाकी सारी तो पैक्ड आइटम है। तो मिल यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। भैया भाई 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 बस्ती स्टेशन का क्रॉस भाई दिया है। तो फाइनली आपने देखा हम पहुंच गए थे अपने फर्स्ट कमर्शियल हॉल्ट बस्ती। नीचे उतरे थे लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा ही थी ट्रेन का, यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है बाकी कमर्शियल रन के दोनों को भी। और काफ़ी सारे लोग ट्रेन में चढ़ भी रहे हैं और बहुत ही मुश्किल काम है आरपीएफ को भी यहाँ पे इतना सारे रोकना। नीचे जाके ब्लॉगिंग करता, लेकिन आप देख ही रहे गेट की हालत, कितने लोग चढ़ रहे हैं, कितने लोग उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये तो अभी आपने पीछे के 2 स्टेशन देखे, उसमें ये हाल था और ये है बस्ती का हाल। कितने लोगों को रोक रहे हैं, देखिए गेट क्लोज होने में नहीं हो रहा, गेट क्लोज नहीं होने दे रहे। तो बस्ती से निकलने के बाद हमें सर्व किया गया है कॉफ़ी या टी, दोनों ऑप्शन हैं, जो भी आप ले सकते हैं। तो हमें सर्व किया गया है कॉफ़ी। अभी इसका हॉट वाटर भी आने वाला है। तो ये आ चुकी हमारी हॉट वाटर। तो बनाते हैं अपनी कॉफ़ी। भाई हल्का पीछे कर दो भाई, आप कर दो। भाई नमस्कार, नमस्कार। तो अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का कॉमर्शियल नंबर होने वाला है 22549, जो कि 296 किलोमीटर कवर करेगी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक 4 घंटे 15 मिनट में। दो ही एकमात्र हॉल्ट होने वाले हैं, बस्ती और अयोध्या। और एवरेज स्पीड आने वाली है 69 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 1110 km/h। और फेयर की बात करूं, गोरखपुर से लखनऊ अगर आप इस ट्रेन में सीसी में ट्रेवल करते हैं तो जिसको आपको चार्ज करना पड़ेगा 890 रुपये, जिसमें फूड इंक्लूड है। अगर आप वही एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं गोरखपुर से लखनऊ तो आपको पे करने पड़ेंगे 1670 रुपये, जिसमें फूड इंक्लूड है। तो फाइनली हम पहुंच गए मनकापुर जंक्शन। हालांकि कॉमर्शियल स्टॉप यहाँ पे भी नहीं है इसका, लेकिन आज इनॉग्रेशन है तो इसको यहाँ पे रोका गया है। और यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे भी सजावट की गई है इस वंदे भारत को लेके। दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. तो फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है मनकापुर जंक्शन से। हालांकि कोई दरवाजे काफ़ी देर बाद इसको बंद हो, क्योंकि कोई एक दरवाज़ा यहाँ पे खुला था और जब तक आपको पता है कोई डोर ओपन होगा तब तक ये ट्रेन चल ही नहीं सकती है। उधर भी बच्चे बैठे हैं क्या? नहीं, दूर हो गए। इधर खाने नहीं है। राजकुमार भी है क्या? इसका भी देखना टीटी है ना, देखने का रितेश भी है। राजकुमार भी है क्या? राजकुमार आगे था, हमने भी था आगे बैठा। कहीं हिमालय पार है राजकुमार। नाटक का हमने नाटक किए, उसके बाद कोई गाड़ी आ गई, आगे शॉट करना। हाँ, और ये वाला लाइन। अयोध्या आने वाला है, एक बार हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। को तुम करता है वो क्या ले रहा है? अरे भिजवा देंगे तुमको। साइलेंट चले जाओ, फेंक देंगे यहीं तो। साइलेंट कौन साइलेंट कर रहा है? ओ भाई, अयोध्या नगरी में आप सभी। तो अब हम आ गए हैं राम नगरी अयोध्या जंक्शन, और ये इसका दूसरा कमर्शियल हॉल्ट भी है। मात्र यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट होगा नॉर्मल डेज में भी, और देख सकते हैं। और ये स्टेशन बहुत ही भव्य बनने वाला भी है, और ये मंदिर भी भव्य बनने वाला है। तो बस चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और दरवाजा, अगर आप लोगों में से कोई अयोध्या से वीडियो देख रहा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और बताइएगा कैसा लग रहा है अयोध्या में वंदे भारत के आने से। एसके भाई, कैसा लग रहा है अयोध्या में आके वंदे भारत से? सबसे पहले तो भाई जय श्री राम। और अयोध्या में पहली बार आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है काफी बढ़िया, साफ सुथरा, और बिल्कुल मंदिर के आर्किटेक्चर में बनाया जा रहा है। और जब मंदिर पूरा बनेगा तो पक्का आएंगे। मंदिर पूरा बनेगा तो भाई पक्का आएंगे। रेलवे स्टेशन अगले साल तैयार हो जाएगा तो रेलवे स्टेशन भी कवर करने आएंगे हम। तो फाइनली अपनी ट्रेन अब डिपार्च कर रही है अयोध्या जंक्शन से। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है अयोध्या जंक्शन से। अरे इधर देखो, मना कर रहे हैं। हम अपने पहुंच के सेकेंड लास्ट स्टॉप बाराबंकी जंक्शन। कॉमर्शियल रन में इसका यहाँ पे स्किप है, लेकिन आज के लिए स्टेशन को यहाँ पे रोका गया है। और देख सकते हैं कितने सारे लोग रात के 9 बजे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वंदे भारत के लिए। बहुत लोग। तो अपनी ट्रेन बाराबंकी से निकल चुकी है, और हमें सर्व किया गया है वेज बिरयानी और एक ट्रोपिकाना जूस। और छूने पे ना वेज बिरयानी गर्म भी लग रही है। अब टेस्ट करते हैं, बताते हैं वेज बिरयानी का टेस्ट कैसा है जो कि हमें सर्व किया गया है। तो मैंने अभी वेज बिरयानी टेस्ट करी है, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। और ट्रोपिकाना जूस। तो फटाफट अपना बिरयानी फिनिश कर लेता हूँ, आपसे सीधे मिलता हूँ लखनऊ जंक्शन पे। तो फाइनली अपनी 296 किलोमीटर की जर्नी यहीं पे एंड होती है। आज कॉमर्शियल रन था तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी आपको 4 घंटे 15 मिनट ही लगने हैं अगर आप गोरखपुर से लखनऊ आते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो 9 तारीख से कॉमर्शियल रन इसका चालू हो जाएगा। और बस आज के व्लॉग में इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे एक और अगले व्लॉग में। और कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा ना। तो बस करते अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और अगले व्लॉग में, एक और अगले इनॉग्रेशन में, या फिर एक और अगली जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, विक्की झा 01 इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।